कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब मजे में ही होंगे। तो आपके मजे को और दुगना करने के लिए आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी हॉट एंड थ्रिलिंग मूवी जिसकी एंडिंग आपके होश उड़ा देगी। तो डियागो सेलेना के बाप को कुछ पैसे देकर सेलेना को खरीद लेता है और उसी के सामने सेलेना को चाटने लगता है। पैसे मिलने से सेलेना का बाप भी खुश है और वो जाते जाते डियागो कहता है, मेरी बेटी के मजे लो, वो बहुत जवान और हॉट है। अब आगे डियागो सेलेना को कहता है, कपड़े उतार कर नहा लो क्योंकि मैं तुम्हारी बॉडी को रात में चाटूंगा। यहाँ ऊपर सेलेना रोते रोते नहा रही होती है और वही डी-मैन उसके शरीर से टपक रहे पानी में भीग कर तृप्त हो रहा होता है। फिर अब रात भी हो जाती है और डियागो जबरदस्ती सेलेना को नंगा करके उसका रेप करने लगता है। सब हो जाने के बाद सेलेना कपड़े पहनकर वहाँ से भाग जाती है और उसके कदमों की आवाज डी-मैन सुन लेता है। इसके बाद डी-मैन ये बात डियागो को बताता है कि वो भाग गई। डियागो कहता है, पहले दिन सब ऐसा ही करते हैं पर बाद में सब वापस ही आ जाते हैं। सेलेना भागते हुए अपने घर आती है और अपने बाप से भीख मांगती है कि मुझे वहाँ मत भेजो। बट सेलेना का बाप और ज्यादा हरामी था, वो उस पर कोई दया नहीं दिखाता और उसे घर से बाहर फेंक देता है। यहाँ अब सेलेना के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था तो वो वापस डियागो के घर चले जाती है। सुबह होने पर डियागो डी-मैन को पीटता है क्योंकि उसकी वजह से कुछ मुर्गियाँ मर गई हैं और ये सेलेना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो डियागो के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगती है पर थर्की बुड्ढा यहाँ भी नहीं रुकता। वो सेलेना को पास बुलाकर उसके नीचे उंगली डालता है और फिर उंगली को सूंघने लगता है। डियागो सेलेना को कहता है, घर में अंडरवियर मत पहना करो, इससे मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है। और फिर वो अपने पैरों की उंगली सेलेना के नीचे डालने लगता है। सेलेना और डी-मैन जब काम कर रहे होते हैं तो डी-मैन उसे बताता है, उसके माँ बाप ने उसे डियागो को बेच दिया था और तब से वो डियागो का स्लेव बनकर जी रहा है। अब सेलेना को समझ आ गया था कि वो कुछ नहीं कर सकती। जब उसकी इज्जत रोज रात को लुटनी ही है तो क्यों ना वो अपनी मर्जी से अपना रेप करवाए। और फिर वो खुद ही बारिश में डियागो के साथ सेक्स करने लगती है जिससे डियागो बहुत खुश हो जाता है। सेलेना की हॉस्पिटैलिटी देखकर डियागो अपने लॉकर से एक सोने की चेन निकालता है और उसके गले में बना देता है और अब फिर से वो उसके साथ सेक्स करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग डियागो सेलेना को शॉपिंग के लिए भी ले जाता है और अब जब वो एक दुकान में रुकता है तो वहाँ उसका बाप भी मौजूद था। सेलेना का बाप डियागो से पूछता है कि वो तुम्हें मजे तो दे रही है ना। पर डियागो मन ही मन खुश होने लगता है और अब सबकी वहाँ पर दारू चलने लगती है। डियागो दारू पीकर भंड हो गया था और अब सेलेना उसे सुला लेती है। इसके बाद वो चुपके से डियागो के लॉकर की चाबी निकालती है और उसके बॉक्स में से एक नेकलेस गायब कर देती है। बीच बीच में सेलेना को अपनी रोती हुई माँ की भी याद आती है क्योंकि उसकी माँ को भी उसके बाप ने डियागो को बेच दिया था और जब उसका रेप हुआ तो उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। अब जब डियागो नशे में धुत सो रहा था, सेलेना डी-मैन के पास जाती है और उससे पूछती है कि वो अंधा कैसे हुआ। डी-मैन उसे बताता है, मैंने भी यहाँ से भागने की कोशिश की थी और जब मैं पकड़ा गया तो डियागो ने मेरी आँख में जलता हुआ सरिया डाल दिया। उसकी ये कहानी सुनकर सेलेना बहुत अपसेट हो जाती है। डी-मैन कहता है, उसने कभी किसी औरत को नहीं छुआ है और उसकी ये इच्छा सेलेना पूरा कर देती है। वो अपने कपड़े उतार कर डी-मैन के साथ सेक्स करने लगती है। सुबह होने पर सेलेना नदी के किनारे कपड़े धो रही होती है और तभी वहाँ कोरा भी आ जाती है जो अभी तक डियागो के दिए जख्मों से बाहर नहीं आ पाई थी और वही पानी में घुस कर खूब रोने लगती है। इसके बाद कोरा की माँ आकर उसे अपने साथ ले जाती है। ये सब देखकर सेलेना काफी अपसेट हो जाती है। अब जब वो घर वापस आई तो डियागो बड़ी बेरहमी से डी-मैन को पीट रहा था क्योंकि उसे लगता है डी-मैन ने ही वो नेकलेस चुराया है। फिर उसे रोकने के लिए सेलेना डियागो को एक बड़ी सी दराटी देती है और कहती है, इसे पीट क्यों रहे हो, इससे अच्छा इसे मार ही डालो। ये सुनकर डियागो उसे मारना रोक देता है और वहाँ से चला जाता है। अब नाइट में सेलेना डी-मैन के दर्द में अपने प्यार का मरहम लगाने लगती है और वो दोनों फिर से इंटीमेट होने लगते हैं। डी-मैन सेलेना को कहता है, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, मैं तुम्हारा नौकर बन के रह लूंगा पर डियागो का नहीं। लेकिन सेलेना कुछ नहीं कहती, पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। अब नेक्स्ट डे डियागो अपने फ्रेंड की दारू पार्टी में चला जाता है जहाँ सेलेना का बाप भी मौजूद है।
वो लोग खूब ड्रिंक करते हैं और नाइट होने पर सेलेना का बाप कहता है मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। इधर टियागो घर की तरफ आ रहा था और वहीं उसके घर में सेलेना और डीमन आपस में लगे हुए थे। रास्ते में सेलेना का बाप फिर से टियागो से पूछता है क्या तुमने सेलेना को पूरी तरीके से चख लिया है। टियागो हंसते हुए कहता है हाँ उसकी बॉडी के हर होल में मैं अपना सब कुछ डाल चुका हूँ, अब वो पूरी तरीके से मेरी हो चुकी है। अब हमें मूवी का सबसे बड़ा सीक्रेट सेलेना के बाप से पता चलता है। वो टियागो को कहता है सेलेना पहले से ही तेरी थी क्योंकि वो तेरी ही बेटी है। वो कहता है मेरी बीवी के साथ जो तूने रेप किया उसी रेप के स्पर्म से सेलेना हुई है। और ये सुनते ही टियागो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आज तक जिस लड़की के साथ संबंध बना रहा था वो उसी की बेटी है। लाचारी से भरा टियागो अब घर की तरफ बढ़ता है और अब जब वो घर पहुंचता है तो सेलेना और डीमन को एक दूसरे से लिपटा हुआ देख लेता है। टियागो का पहले से दिमाग खराब था और अब अपनी बेटी को नौकर के साथ देख वो डीमन पर जानलेवा हमला करने लगता है। लेकिन डीमन की जान बचाने के लिए सेलेना टियागो को यानी अपने बाप को ही खत्म कर देती है। वो उसको इतने चाकू मारती है कि टियागो उसे सच भी नहीं बता पाता और वहीं दम तोड़ देता है। अब नेक्स्ट डे टियागो का सारा गोल्ड और पैसा लेकर ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं और घर को आग लगा देते हैं। आगे जाकर सेलेना गोल्ड और पैसे का बंटवारा करती है और डीमन को कहती है मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तुम्हें अपनी जर्नी खुद ही तय करनी होगी। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं बेचारा अंधा डीमन सेलेना को पुकारते रहता है बट वो वापस नहीं आती। और अब वॉर की वजह से पूरा गांव भी पलायन कर रहा था तो डीमन भी उन सबके साथ शामिल होकर गांव से चला जाता है। और इसी के साथ मूवी का भी यहाँ पर दी एंड हो जाता है।